हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं हाउस डिजाइनिंग। तो आज हम लोग हाउस डिजाइनिंग में एक नए घर को डिजाइन करने वाले हैं। तो आज के गेम प्ले सीरीज में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि मैंने इसमें बनाया था, एक घर को पूरा रिपेयर किया था, उसको पेंट उंट किया था एंड उसमें कुछ डेकोरेशन किया था। उसके बाद ये बहुत घर महंगा बिका नहीं था, इसको मैं बेचा नहीं। मैंने सोचा था एक बार में दो घर को साथ में बेचूँगा तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे होगा। एंड ये घर देख सकते हो, मैंने इसको कितना अच्छा डिजाइन किया था। एंड अब चलते हैं हम लोग दूसरे घर पे एंड देखते हैं वो घर कितना में मिलता है एंड फिर उसको हम लोग कितना में सेल कर सकते हैं। तो पहले को अच्छा खासा घर देख लेते हैं, ज़्यादा हार्ड घर देखेंगे नहीं, ज़्यादा ईजी ही देखते हैं जो कि मतलब सस्ते में मिल जाए और अच्छा ही बिके। तो ये फ़िलहाल अच्छा मिल रहा है मुझे, तो इसको बाय कर लेते हैं। चलो ये बाय हो चुका, चलते जल्दी से घर पर एंड फिर इसको हम लोग अच्छे डेकोरेट करके फिर हम लोग सेल कर देखें इससे कितना प्राइस मिलता है। तो हम लोग आ चुके हैं ये नया वाले घर में, नया का इसको घटिया घर बोल सकते हैं, इतना घटिया घर है मैं आपको क्या बोलूं। तो हम लोग इसी को डेकोरेट करने वाले हैं एंड देखने वाले कितना मस्त घर बनने वाला है। तो पहले अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें घर में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। यहाँ तो एक गैरेज भी शायद है, चलो ये गैरेज ही है शायद। तो ये क्या मस्त कितना स्पेस है गैरेज में, दो गाड़ी आराम से। तो इस गैरेज में हम लोग गाड़ी उड़ी सब खड़ा करने वाले हैं। तो यहाँ पर डोर पूरे हम जंग खा के मतलब क्या बोले पुराना हो गया, एकदम पूरा जंग लग गया गेट में, पता नहीं क्या पुराना टाइप का हो गया, पूरा गंदा धूल जमा हुआ है। एंड ये देखो एक रूम है, मतलब ये रूम नहीं ये तो किचन है। तो इसमें हम लोग किचन का ये बनाने वाले हैं एंड यहाँ पे ये क्या है एंड ये वॉशरूम है, चलो इसको भी हम लोग अच्छा से रिपेयर करने वाले हैं एंड इसको हम लोग एक बेडरूम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्योंकि इस घर में बेडरूम ज़्यादा दिख नहीं रहा एंड ये छोटा सा मतलब एरिया जो कि शायद पार्किंग साइड से आता है, शायद देखना पड़ेगा। हाँ गाइस, ये पार्किंग से डायरेक्ट अंदर आता है। तो पार्किंग से अंदर जाने का दो रास्ता है जो कि अच्छा है। तो ये भी गेट हम लोग खोल देते हैं एंड यहाँ का सारा चीज़ में कुछ भी घटिया लग रहा है। ऊपर चलते ऊपर देखते क्या क्या चीज़ है एंड ऊपर भी तीन चार रूम अच्छा सा खासा बना हुआ है एंड इसमें से एक वाशरूम होगा, एक किचन ही होगा पक्का एंड दो बेडरूम होगा। ये देखो एक निकल गया है बेड, क्या बोलते हैं इसको, वाशरूम एंड एक पक्का किचन होगा। ये देखो इसको हम लोग किचन ही बना सकते हैं एंड जो ये देखो इधर भी एक शायद रूम है, ये रूम ही है क्या, ये हॉल है नहीं गाइस, ये रूम है। इसको हम लोग बेडरूम बना देंगे, एक ऊपर अपना पर्सनल बेडरूम, मतलब अपना नहीं इसको बेचेगा उसके लिए पर्सनल बेडरूम हो जाएगा एंड इसको भी हम लोग बेडरूम बनाने वाले हैं। एंड इसमें हॉल हम लोग सोच रहे हैं नीचे ही बनाते छोटा सा, मतलब हॉल उल जो जिसमें टीवी भी देख सकते हैं, मतलब एक डाइनिंग एरिया भी हमें बनाना होगा। तो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग इसको सेल करना स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग सब कुछ सेल करने वाले, इसका मतलब विंडो डोर मतलब हर कोई इसका सेल करने वाले, जितना कुछ है घर में सब कुछ। क्योंकि थोड़ा मोड़ा भी सामान छोड़ देगा तो फिर मतलब बेकार हो जाए, सब पुराना हम लोग सब लगा ही रहे तो पूरे एक ही बार नया क्यों ना लगा दें। तो हम लोग सब कुछ पुराना को पहले सेल करने वाले हैं, तो इसको भी सेल करते हैं, इसको भी सेल करते हैं एंड घर में जितना कुछ है सबको जल्दी सेल करते हैं फिर हम जल्दी से नया सामान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये भी सेल करते हैं गाइस, आप लोग दो मिनट रुको। तो ये लो गाइस, मैंने पूरा सामान को मतलब सेल कर दिया जितना भी था, ये सिर्फ लास्ट बचा इसको भी सेल कर देते हैं। ये लो गाइस, यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेल कर दिया एंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा। ये देखो गाइस, अब ये घर कितना मतलब खाली खाली लग रहा है, मतलब विंडो डोर मैंने हर कुछ सेल कर दिया एंड अब नेक्स्ट का हमारा क्या बचा, मतलब सारा सफाई करने का। अब ये सब मतलब डस्ट को सारा रिमूव करना पड़ेगा ये सब को भी एंड ये देखो पीछे का मतलब मस्त एरिया, मतलब टेबल वो लगा के बैठ सकते हैं, स्विमिंग पूल भी है मस्त, पीछे का एरिया तो और भी मस्त खतरनाक लग रहा है मुझे। तो ये सारे सामान को हम लोग जल्दी जल्दी पहले रिमूव कर देते हैं क्योंकि इतना सारा सामान है जल्दी जल्दी रिमूव करना पड़ेगा। एंड इस घर में कितने आदमी टीवी देखते हैं, छोटा छोटा टीवी भरा हुआ है, हम लोग कोई नहीं गाइस बड़ा बड़ा टीवी लगा देने वाला हर रूम में, इतना छोटा टीवी कौन देखता था मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस आप लोग दो मिनट को, मैं फटाक से इसको साफ करके आया। ये लोग गाइस ये लास्ट बच चुका था, इसको भी जल्दी से हम लोग साफ़ करते थे एंड ये देखो पीछे का पूरा एरिया साफ़ हो चुका है एंड अब कितना मस्त स्विमिंग पूल लग रहा है। ये घर तो पूरा मस्त क्लियर हो गया है एंड इसको भी हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग अंदर का डेकोरेट करेंगे। तो अंदर का थोड़ा सा क्लीनिंग जल्दी जल्दी कर देते हैं क्योंकि बाहर का क्लीनिंग करने से बहुत टाइम हो चुका है, तो जल्दी से हम लोग अंदर का भी क्लीनिंग कर देते हैं। तो आप लोग दो मिनट रुको, मैं जल्दी से आया। ये लोग अंदर का पूरा मतलब सब कुछ साफ़ हो चुका है, मतलब जितना डस्ट वस्ट था वो सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया। अब हमें मेन काम क्या करना है, मतलब ये जो देखो ये जो वॉल जो फूटा हुआ है इसको रिपेयर करना, मतलब जहाँ जहाँ वॉल फूटा हुआ है उसको जल्दी से रिपेयर कर देना है। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पहले सामान खरीद लेते हैं, प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर से मतलब वॉल जो होता है वो मेकअप हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो हम लोग जल्दी से प्लास्टर लेने वाला है, प्लास्टर इसी में शायद था शॉप में ही,
तो चलो ये रहा प्लास्टर मिल गया, तो इसको हम लोग जल्दी से ले लेते, दो ले लेते क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा ही मतलब फूटा हुआ और टूटा होगा, तो हम लोग दो जल्दी से ले लेते हैं। अरे हट जा, अबे हट जा, दो हो गया। चलो गाइस हट चुका है, एंड जल्दी से हम लोग इसको रोलिंग लेते हैं। रोल नहीं होता है तो होता क्या जिससे? अच्छा गाइस पर समझ गया, प्लास्टर प्लास्टर से होता है। इसको मैंने यहाँ पर ले लिया एंड इसको जल्दी से हम लोग फिल कर देते हैं। तो गाइस घर में जितने प्लास्टर हम लोग जल्दी से करके 2 मिनट में आपको मिलता है। तो ये लोग गाइस यहाँ पे हो चुका है, एंड थोड़ा सा डस्ट बचा हुआ था इसको हम लोग जल्दी से क्लीन कर दे थोड़ा सा पैसा दे के, क्योंकि थोड़ा सा पैसा देने पर अच्छा सा क्लीन हो जा रहा था। हम लोग क्लीन कर चुके हैं ये लोग गाइस। तो हम लोग यहाँ पे अब चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गैरेज का काम स्टार्ट करना था। तो गैरेज का ये वाला डोर मस्त लग रहा है, इसको जल्दी से हम लोग लगा चुके हैं, एंड ये देखो कितना मस्त लग रहा है। ये पहले भी ऐसे ही लगा हुआ था, फिर हम लोग दोबारा इसको ऐसे ही लगा चुके हैं, जो कि मुझे ख़तरनाक लग रहा है, एंड ये बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये तो यहाँ पे हो चुका है, एंड अब आप लोग देखो ये कितना ख़तरनाक लग रहा है, आपको दिखाता हूँ। एंड मैं बंद करके पहले दिखाता हूँ कितना ख़तरनाक लगता है, एंड ये देखो बंद भी हो जाता है, एंड मस्त, मुझे तो मस्त लग रहा है। एंड इसमें लोग बाहर से पेंट उंट कर देंगे तो ये और भी भाई ख़तरनाक घर लगने वाला है। फिलहाल तो पहले हम लोग इसको अंदर से रिपेयर करने वाले हैं, एंड हम लोग जितना भी अब विंडो डोर है वो सब पहले सब लगा के कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पेंट का काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डोर देख लेते कौन सा अच्छा डोर है, मतलब अच्छा सा डोर मिल जाए। मुझे तो वही जो जो टावर वीडियो मैंने लगाया था टावर वाले घर में, वही मुझे डोर सबसे अच्छा लगता है, ये वाला डोर 90। तो हम लोग इसी को पूरे घर में लगाने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम इसको लगा देते हैं। अरे खुल जा, एक लग गया, अंदर कैसे जाऊँ। चलो कोई नहीं, हम लोग गेट खोलते हैं एंड जल्दी से हर जगह इस डोर को लगा देते हैं, एंड इधर एंड जितने भी डोर है मैं सब जगह लगा देता हूँ। इधर हो गया, एंड इधर मुझे डबल लगाना पड़ेगा। ये लो मैंने डबल भी लगा के पूरे घर में डोर का काम कंप्लीट कर दिया है, एंड इसको मैं बाहर से लगाता हूँ क्योंकि अंदर से ये लग रहा है इसका हैंडल अंदर हो जा रहा है। ये लो अब ये बाहर से हो चुका है, मस्त हो चुका है, ख़तरनाक एकदम भयंकर लग रहा है मुझे, भयंकर एकदम। ये लो सारे जगह डोर वोर मैंने लगा दिया, एंड अब नेक्स्ट का हमारा क्या बचा, विंडो का। अब हमें ढेर सारा विंडो लगाना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं कोई अच्छा सा विंडो देखते हैं जिससे हम लोग विंडो लगा सकते हैं। पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर का डोर भी जल्दी से लगा के फिर हम लोग विंडो काम स्टार्ट करेंगे। तो गैस मैंने मतलब हर जगह डोर लगा दिया, हम लोग विंडो लगाते हैं, देखते हैं कौन सा विंडो अच्छा लगेगा। ये तो गैस ये वाला विंडो पहले भी यही विंडो लगा था, बट इसको हम लोग न्यू लगा रहे हैं तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग इसको मतलब पर्दा वर्दा भी लगाने वाले, तो ये बहुत ही ख़तरनाक लगने वाला है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर विंडो लगा दिया, एंड विंडो को ये मस्त तरह से खुल भी रहा है, चलो ये अच्छा है। तो हम लोग जल्दी से सब जगह पहले नया नया विंडो लगा देते हैं, एंड फिर देखते हैं घर का लुक कैसा दिखता है। तो ये लोग गाइस मैंने हर जगह विंडो डोर सब चीज़ लगा दिया, एंड अब देखो घर का लुक पहले जैसा ही आपको लग रहा हो, बट हम लोग उसको पेंट उंट कर देंगे तो ये और भी ख़तरनाक लगने वाला है। बट इसका डोर देखो कितना मस्त हो गया, न्यू न्यू सब कुछ हो चुका है। एंड इधर मैंने एक ब्लैक डोर लगाया क्योंकि ये मतलब इसका मैं कलर ऐसा करने वाला हूँ कि ब्लैक डोर के साथ मिक्स हो जाए। तो जल्दी से चलते हैं, अब पहले गैरेज का काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर बोलते हैं, ये वॉल पेंट लगा देते हैं ताकि हमारा ये वॉल कम्प्लीट हो जाए। एंड उसके बाद फिर हम लोग अच्छा टाइल्स लगाने, पहले हम लोग टाइल्स ही लगा लेते हैं, ये टाइल्स लगा के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो चलो ये ख़तरनाक लग रहा है गाइस, ख़तरनाक मतलब बवाल लग रहा है एकदम, मतलब गाड़ी उड़ी आएगी चमकेगी एकदम मस्त चमकदार, मतलब टाइल्स बोलते वो लग रहा है, मतलब हुडे ने काम हुआ है टाइल्स का नहीं, तो हुड मस्त लग रहा है। इसमें गाड़ी उड़ी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, टूटे वोटा नहीं, आप लोग घबराओ नहीं। तो हम लोग काम करते हैं पेंट का, देखते हैं कौन सा पेंट अच्छा लगेगा। हम लोग डार्क पेंट करेंगे क्योंकि डार्क पेंट में ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। डार्क पेंट होने से क्या होता है, मतलब कोई भी गाड़ी उड़ी आएगा लाइट उट लगा देगा, उसके बाद ये और भी ख़तरनाक लगने वाला है। तो ये देखो गाइस ये कदम बवाल लग रहा है, तो हम लोग इसको जल्दी से पूरा घर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं, एंड इसको भी लगाते हैं जल्दी से। चलो गाइस घर का पूरा काम कम्प्लीट हो चुका है, एंड मैंने इसको अच्छा से बना दिया, कम्प्लीट कर दिया। एंड अब ये देखो कितना ख़तरनाक लग रहा है, ब्लैक डोर के साथ मिक्स भी हो जा रहा है। तो ये तो हो चुका है, अब हमें ये वाला जो एंट्री मतलब रास्ता जो है इसको हमें भी इसे भी हम लोग थोड़ा डार्क लुक में देने वाले हैं, क्योंकि गैरेज डार्क है तो इसको भी थोड़ा डार्क देना पड़ेगा। तो ये देखो गाइस मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया, कितना मस्त डार्क एकदम लग रहा है। ये देखो ब्लू कलर में थोड़ा सा है, डार्क में अच्छा लगा। इसका टाइल से मैंने हल्का लाइट कलर दिया जो कि मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो ये यहाँ पर काम हो चुका है, हम लोग चलते हैं अगले रूम पर। अगले रूम में देखते हैं कौन कौन सा काम है, जल्दी जल्दी सबको रूम को फिनिश करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइल्स एंड इसको पहले बंद कर देते हैं, एंड टाइल्स एंड पेंट देखना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ तो मुझे सब ठीक ही लग रहा था। हाँ एक ही, चलो एक ही बेडरूम है, मैं कंफर्म कर रहा था एक बेडरूम है दो बेडरूम है, चलो एक ही बेडरूम है। तो इसको मैं अगर कोई इस घर में लड़की रहेगी तो मैं उसके लिए डेकोरेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को अच्छा सा फूल वाला पेंट लगा देता हूँ, मतलब
जो कि देखने में मस्त लगे, क्योंकि अगर लड़की लोग इस कमरे में रहेगी तो उसको मतलब फूल उल का मतलब पसंद हल्का लगता है, तो हम लोग इसी को इसमें डिजाइन देने वाले, लुक देने वाले। ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, मैं इसको पूरा कर दूंगा तो आप लोग देखने कितना खतरनाक लगने वाला है। तो ये लो यहाँ ये भी कम्प्लीट हो चुका है एंड देखो कितना मस्त लग रहा है एकदम। एंड हम लोग यहाँ पर ये भी लगा चुके हैं टाइल्स, ये देखो कितना मस्त टाइल्स लग रहा है। ये रूम कितना खतरनाक लग रहा है, मतलब डार्क मैंने टाइल्स दिया क्योंकि ये रूम मतलब का फीका था इसलिए मैं डार्क दे दिया। एंड ये मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है, इसका सिर्फ नीचे का टाइल्स चेंज करना है क्योंकि वॉशरूम में कुछ चेंज ज़्यादा करना नहीं रहता, नीचे का सिर्फ टाइल्स चेंज करते हैं। ये लो ये हो चुका है एंड ये भी चलो अच्छे तरह से हो चुका है। एंड हम लोग चलते हैं अगले रूम में, चलो ये भी रूम है, इसको भी हम लोग बेडरूम बनाने वाले हैं तो इसको भी कोई अच्छा खासा लुक देने वाले हैं, मतलब सिंपल लुक देंगे, ज़्यादा कुछ हार्ड लुक देंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा हार्ड से बेकार हो जाता है, मतलब लाइट वुट लगाने पे बेकार हो जाता है। तो हम लोग सिंपल सा कोई लुक देने वाले हैं, तो पहले कोई एक अच्छा खासा वॉल पेंट देख लेते हैं, मतलब वॉल पेपर देख लेते हैं वॉल के लिए। तो ये मुझे सही लग रहा है ये लोग गाइस, चलो गाइस तो ये कितना खतरनाक हो चुका है। हम नीचे का जल्दी टाइल्स लगा के टाइल्स का काम भी कर देते हैं। तो ये डार्क है, इसमें थोड़ा सा मतलब लाइट कलर लगाना पड़ेगा नीचे टाइल्स में। ये देखो ये सही लग रहा है, मेरे ख्याल से ही सही लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं, तो इधर वो सब हो चुका है, सारे रूम को काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये हॉल बचा है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, पहले नीचे का टाइल्स जल्दी से लगा देते हैं इस हॉल में ताकि ये घर दिखने में बेहतर लगे। ये देखो यहाँ भी हो चुका है, अब सिर्फ वॉल का काम बचा है, जल्दी से हॉल का काम कर देते हैं। ये हॉल तो नहीं बोल सकते बट इसको हॉल का गिनती में आता है, तो इसका भी जल्दी से अब वॉल पेंट कर देते हैं। एंड ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये देखो ये कंप्लीट हो चुका है पूरा घर, एंड कितना मस्त लग रहा है। मैं ऊपर भी इसको यही करने वाला हूँ, फिर आप लोग देखना आपको कैसा लगता है। तो नीचे मैंने पूरा चारों मतलब वॉल में यही किया, अब ऊपर भी चारों वॉल में हम लोग यही कर देते हैं। एंड ये मतलब एंट्री के लिए मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब घर में घुसने के बाद मतलब थोड़ा डार्क कलर एंड लाइट वुट रहेगा तो उसी वो और भी ख़तरनाक लगने वाला है। चलो तो ये यहाँ का काम हो चुका है एंड ये मस्त लग रहा है मुझे। एंड अब थोड़ा सा मतलब टाइल्स का काम कर देते हैं थोड़ा सा। एंड टाइल्स का काम करने से पहले एक सेकंड गाइस, मैं थोड़ा सा सारे रूम का काम कर देता हूँ क्योंकि मतलब टाइल्स का काम तो मतलब बाहर का मैं बाद में कर दूँगा, पहले रूम का कर देता हूँ। एंड चलो सही लग रहा है, इसको चारों तरफ कर देते फिर ये सही लगने वाला, एक तरफ सही नहीं लगता चारों तरफ कर देते फिर ये ख़तरनाक देखने में लगता है। एंड ये देखो उसको मैं थोड़ा सा फीका बनाया क्योंकि इसको हम लोग गेस्ट रूम बनाने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा फीका ही रहेगा सही रहेगा क्योंकि गेस्ट रूम आके ज़्यादा देर रुके नहीं, अगर डार्क रूम रहेगा तो फिर इनको मन लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फीका लगवाने वाले हैं। एंड अभी जल्दी से हम यहाँ हुड का काम भी कर देते हैं। एंड चलो तो यहाँ हुड का काम भी हो चुका है, हम लोग चलते हैं जल्दी से अगले रूम में। अगले रूम में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, मतलब दोनों रूम में अब सेम डिज़ाइन देने वाले हैं, मतलब जो इसमें देखे उसके बगल वाले में भी वही डिज़ाइन देने वाले हैं। तो यहाँ पर जल्दी से पहले टाइल्स का काम कर देते हैं। तो ये लो टाइल्स भी हम मस्त लग चुका है। एंड जल्दी से वॉल का काम करते हैं, वॉल पेंट ले जल्दी से कोई भी अच्छा सा लगा देते हैं चीज देख के। तो ये मुझे बढ़िया लग रहा है एंड इसको हम लोग लगाने वाले हैं। एंड इसका दो कॉम्बो बनाने वाला हूँ, दो रूम मतलब सेम डिज़ाइन का बनाने वाला हूँ तो और भी वो ख़तरनाक लगने वाला है। पहले इसको जल्दी से फिनिश कर देते हैं, हो जाए जल्दी से फिनिश। चलो गाइस तो ये यहाँ पे पूरा फिनिश हो चुका है, मस्त लग रहा है। एंड इसमें फिर हम लोग डेकोरेशन करेंगे तो फिर ये और भी बेहतर लगने वाला, लाइट वुट लगने के बाद यहाँ पर हो चुका है। अब जल्दी से चलते हैं इस रूम में, इस रूम को भी जल्दी से सेम डिज़ाइन का कर देते हैं। तो यहाँ भी मारते वॉल में एंड इधर भी वॉल में देते हैं। एंड मैं कॉटन वोटन अच्छा से लगा दूंगा, टीवी भी लगा दूंगा, बेड रूम लगा दूंगा, तो ये रूम बहुत ही खतरनाक लगने वाला है सारा रूम। फिलहाल तो हम लोग इसका पेंट ही कर रहे हैं अभी। तो चलो यहाँ भी हो चुका है, जल्दी से हम लोग इसको भी सेम टाइल्स लगा दें, जो कि टाइल्स मैंने वहाँ लगाए थे यही टाइल्स यहाँ भी लगा देते हैं। कहाँ गया ये रहा वो टाइल्स, इसको प्लेस करते हैं। तो ये लोग गाइस ये भी रूम कम्प्लीट हो चुका है, अब सिर्फ सामने का वॉशरूम बचा है, इसमें सिर्फ हमें टाइल्स लगाना, नीचे का ऊपर का वॉल को हम लोग नहीं छेड़े क्योंकि वॉल ऊपर का वॉल मुझे बढ़िया लग रहा है। तो नीचे का सिर्फ हम लोग टाइल्स चेंज करते हैं, जो कि वाइट टाइल्स में बेहतर लगता है, हम लोग वाइट टाइल्स को जल्दी से यहाँ लगा देते हैं। ये लोग गाइस यहाँ भी मस्त हो चुका है, अब सिर्फ बाहर का हमें टाइल्स लगाना है यहाँ का, तो इसको भी जल्दी से हम लोग को अच्छा खासा टाइल्स लगा देते हैं जो कि एंट्री में अच्छा लगे। तो ये लोग गाइस ये कितना मस्त लग रहा है, मतलब लग रहा है लाइट रूम जैसा, मतलब महल जैसा होता है ना उस तरह लग रहा है ये घर। तो ये लोग गाइस यहाँ पर पूरा घर का काम कम्प्लीट हो चुका है, हम लोग सारे डोर को बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या बचा, सारे घर को डेकोरेट करना, लाइट वुट लगाना। तो गाइज ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सब चीज़, एंड अब हमें डेकोरेशन करना हर जगह। तो पहले सब रूम को मतलब दिखा देता हूँ कैसा कैसा रूम है। एंड एक सेकंड ये देखो हो चुका है, मतलब मस्त डार्क रूम हो गया। एंड इधर ये वॉशरूम है एंड एक ये देखो एक सेकंड खुल जा। एंड ये देखो इधर भी एक रूम एकदम मस्त लग रहा है, एंड इधर भी एक रूम है। ये रूम नहीं, इसको मैं किचन बनाने वाला हूँ जो कि मस्त लगने वाला है, ब्लैक डोर के साथ मस्त लग रहा है मुझे ये तो। एंड ये गैरेज है,
एंड ये देखो, एंड डेकोरेशन मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं इसको बाहर से पेंट कर दूंगा तो ये और भी महंगा बिकने वाला है। तो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।